नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले आधा घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत सुर्खियों के साथ। लाओस दौरे के दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री आज 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में होंगे शामिल। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए चुनौतियों पर होंगे विचार विमर्श। सम्मेलन से इतर पीएम मोदी लाओस के राष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री सोनसाय सिफानडोन के साथ भी होगी द्विपक्षीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गंगटोक में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। प्रेरणा स्थल का भी करेंगे उद्घाटन। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। कल वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 8 विकेट से दी थी करारी शिकस्त। और आस्था और हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है महानवमी। मंदिरों में लगा भक्तजनों का तांता। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय लाओस यात्रा के अंतिम दिन आज 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संवाद के लिए प्रमुख मंच है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 10 आसियान देश और 8 साझेदार देश हैं। इसके अलावा पीएम मोदी लाओस के प्रधानमंत्री सोनसाय सिफानडोन और थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैटॉन गटान शिनावात्रा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी लाओस के राष्ट्रपति थोंगलोन सिसोलिथ के साथ भी मुलाकात करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस यात्रा के अपने पहले दिन 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि जन केंद्रित दृष्टिकोण विकास आधारित साझेदारी का आधार है। पीएम ने कहा कि भारत और आसियान देश शांति पसंद राष्ट्र हैं और ये एक दूसरे की अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई भागों से मतभेद और तनाव है, ऐसे में भारत तथा आसियान में मित्रता, सहयोग, संवाद और साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत तथा आसियान देशों के बीच संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए 10 सूत्री योजना की भी घोषणा की है। इसके अंतर्गत अगले साल को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी संयुक्त गतिविधियों के लिए भारत $50 लाख उपलब्ध कराएगा। साथ ही आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कोष के अंतर्गत आसियान भारत महिला वैज्ञानिक सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सिक्किम के दौरे पर रहेंगे, जहां रक्षा मंत्री गंगटोक में चल रहे सेना कमांडरों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों को संबोधित करना, रक्षा तैयारियों पर चर्चा करना और तेजी से विकसित हो रहे सुरक्षा माहौल में परिचालन तत्परता को बढ़ाना है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सिक्किम के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान गंगटोक में चल रहे सेना कमांडरों के सम्मेलन में वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अभया की हत्या और आरजी कर आंदोलन के लिए न्याय की मांग को लेकर चेतावनी दी है। फेमा ने पत्र लिखकर आरजी कर मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर न्याय की अपील की। फेमा ने कहा कि चिकित्सा समुदाय अब एक साथ है। फेमा ने आगे कहा कि अगर किसी जूनियर डॉक्टर के आमरण अनशन के दौरान कोई हताहत होता है तो वो आग को जलाने वाली आखिरी चिंगारी होगी। ऐसा होने पर पश्चिम बंगाल के सभी डॉक्टर और मेडिकल समुदाय पूर्ण चिकित्सा सेवा बंद कर देंगे। फेमा ने जूनियर डॉक्टरों की मांगों पर ध्यान देने को कहा और कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इन्हें अब तक पूरी तरह से नजरअंदाज किया और जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। फेमा ने ममता बनर्जी से आग्रह किया कि लाइव टेलीकास्ट के साथ ओपन फोरम में जूनियर डॉक्टरों से मिलने आए।
फेमा ने कहा कि सभी शैक्षणिक चिकित्सा संस्थानों के 69 संगठनों का एक समूह चर्चा के दौरान इस संकट का स्वीकार्य समाधान खोजने की पूरी कोशिश करेगा। इसके साथ ही फेमा ने कहा कि आपको और आपकी सरकार को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए ये विकल्प दे रहे हैं। फेमा ने ममता बनर्जी को अपने सम्मान पद और सरकार को बचाने का अल्टीमेटम दिया और कहा कि इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने का दबाव भी डाल रही है, जिसके जवाब में डॉक्टरों ने सभी से शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए राज्य मशीनरी के इस्तेमाल की निंदा करने को कहा है। भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने भूख हड़ताल पर बैठे युवा डॉक्टर्स के समर्थन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये पत्र लिखा है। आईएमए ने युवा डॉक्टर्स की मांगों को जायज ठहराते हुए अपना पूर्ण समर्थन दिया और उन्हें हर आवश्यक सहायता प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है। इसी के साथ एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल सरकार से अपील कर कहा कि वो युवा डॉक्टर्स की जान से खिलवाड़ ना करें और उनकी शांतिपूर्ण वातावरण और सुरक्षा संबंधित मांगों को बिना देर किए स्वीकार करें। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में 7 ट्रेनी डॉक्टर भूख हड़ताल पर हैं और इनमें से एक जूनियर डॉक्टर अनिकेत महतो की गुरुवार देर रात तबीयत भी बिगड़ गई। विरोध कर रहे डॉक्टरों ने तत्काल उन्हें आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आईसीयू में ही भर्ती कराया। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भारत रत्न जयप्रकाश नारायण की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धा सुमन आज अर्पित कर रहा है। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मे जयप्रकाश नारायण के लोकनायक बनने की कहानी काफी दिलचस्प और काफी बड़ी है। जीवन भर समाजवादी विचारधारा के जरिए समाज में बदलाव लाने वाले जेपी ने उम्र के ऐसे पड़ाव पर भारतीय राजनीति में वापसी की जब देश के युवा परिवर्तन की राह पर बिना नेतृत्व के चल पड़े थे। संपूर्ण क्रांति का उनका दर्शन और आंदोलन भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव तो लाया ही, साथ ही देश के सामाजिक ताने बाने को बदलने में भी कारगर साबित हुआ। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत की राजनीति में जिन नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम प्रमुख है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। स्कूली शिक्षा पटना के कॉलेजिएट स्कूल से हुई, बाद में कॉलेजिएट स्कूल छोड़कर बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया। 1920 में 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ। बिहार विद्यापीठ से पढ़ाई करने के बाद 1922 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने खेतों, कंपनियों, होटल्स में काम किया। उन्होंने अमेरिका से ही बीए और एमए की डिग्री हासिल की। अमेरिका से वापस लौटने के बाद 1929 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने पर 1932 में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। 1932 में नासिक जेल में कारावास के दौरान वे अनेक समाजवादी नेताओं के साथ घनिष्ठ संपर्क में आए। दिसंबर 1939 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में जयप्रकाश ने लोगों से आह्वान किया कि दूसरे विश्व युद्ध का फायदा उठाते हुए भारत में ब्रिटिश शोषण को रोका जाए और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंका जाए। इस वजह से अंग्रेजों ने उन्हें 9 महीने के लिए जेल में डाल दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर आंदोलन को चलाया। हालांकि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन 9 नवंबर 1942 को दिवाली के मौके पर वे अपने 6 साथियों के साथ जेल से फरार हो गए। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत रह के सक्रिय रूप से काम किया। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए नेपाल में उन्होंने एक आजाद दस्ता बनाया। कुछ महीनों के बाद सितंबर 1943 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 1946 में वे रिहा हुए। 70 के दशक की शुरुआत में जब देश का आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्ट शासन तंत्र से पीड़ित था, तब जेपी का एक दूसरा रूप देखने को मिला। 1974 में गुजरात के छात्रों ने उनसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ नव निर्माण आंदोलन के नेतृत्व का आग्रह किया। उसी वर्ष जून में उन्होंने पटना के गांधी मैदान में एक जनसभा से शांतिपूर्ण संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इस आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की वजह से ही जनता ने उन्हें लोकनायक के खिताब से नवाजा। इस आंदोलन के अंत में आपातकाल की घोषणा हुई और जो बाद में जनता पार्टी की जीत में तब्दील हुई।
मार्च 1977 में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आपातकाल में जेल में बंद रहने के दौरान उनकी तबीयत अचानक 24 अक्टूबर 1976 को खराब हो गई और 12 नवंबर 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया। किडनी खराब होने की वजह से 8 अक्टूबर 1979 को पटना में जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया। 1965 में उन्हें लोक सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वाजपेयी सरकार ने 1999 में मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सामाजिक कल्याण और ग्राम स्वराज की परिकल्पना को अपनी दूरदर्शिता और कर्मठता से धरातल पर उतारने वाले विराट व्यक्तित्व का नाम है भारत रत्न नानाजी देशमुख। 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के गडोली कस्बे में जन्मे नानाजी देशमुख ने अपनी प्रखर बुद्धि और असाधारण संगठन कौशल से भारतीय राजनीति में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। आइए देखते हैं। और ज्ञान के प्रति प्रेम को जाहिर करता है। उनकी सांगठनिक कुशलता को देखते हुए संघ ने उन्हें 1947 में आरएसएस की पत्रिकाएं राष्ट्रधर्म और पांच जन्य का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। इन पत्रिकाओं के संपादक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया था। नाना जी ने विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया तो उन्होंने इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा देश पर थोपे गए आपातकाल का पुरजोर विरोध किया। इसके चलते आपातकाल के दौरान 29 जुलाई 1975 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 17 महीने वे जेल में रहे। जेल से रिहा होने के बाद 1977 में नाना जी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और सांसद चुने गए, लेकिन जब तत्कालीन प्रधानमंत्री
साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आदिशक्ति की आराधना की। देश भर में आज आस्था और हर्षोल्लास के साथ महानवमी मनाई जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। महानवमी पर माँ दुर्गा के नवे स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। और चलिए इसी के साथ सीधा रुख कर लेते हैं सुक्त दिल्ली के झंडेवालन मंदिर का, जहां पर हमारी संवाददाता सुयेश शर्मा इस वक्त मौजूद है। सुयेश, सीधा आपके पास में आएंगे, वहां पर किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज महानवमी है और महानवमी पर बहुत सारे भक्त जो है लंबी लंबी कतारों में लगकर माता रानी के दर्शन करने के लिए वहां पहुंच रहे होंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं? जी कृतिका, मैं आपको कुछ बताऊं, इससे पहले मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप और हमारे दर्शक माँ झंडेवालान के दर्शन करें, उनका दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आपने सही कहा, आज नौवां दिन है नवरात्रे का, लेकिन यहाँ झंडेवालान में क्योंकि हमारे यहाँ पर सूर्योदय से तिथि मानते हैं, तो तिथि अनुसार आज यहाँ पर अष्टमी मनाई जा रही है। महाअष्टमी की पूरी तैयारियां हैं, माँ का श्रृंगार भी उसी अनुरूप किया गया है, और जिस की परंपरा है कन्या पूजन का, उसकी भी यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है, कन्या पूजन कराया जाएगा। और सबसे पहले आप देखिए माँ को, तो माँ का इतना सुंदर और सौम्य रूप आज तैयार किया है, इतनी सुंदर सजाई गई है माँ, लाल साड़ी में लाल माला पहने हुए, साथ में दाहिने ओर काली और बाएं ओर माँ शारदा विराजमान है। आप देखिए कितनी सुंदर लाल गुलाबी पीले फूलों से आज माँ को तैयार किया गया है, और साथ ही यहाँ सुबह से, मैं साथ में आपको दिखाऊंगी इधर, अगर मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि एक बार इधर भी दिखाई, यहाँ लगातार सुबह से भजन चल रहे हैं और भक्तों का जो ताता है, श्रद्धालु सुबह से, जो कहना चाहिए हमारी जो प्रातः बेला होती है, तभी से यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि अब नवदुर्गे आज से जो तैयारी है वो समापन की ओर है। आज अष्टमी कहीं पर मन रही है, तो कहीं पर महानवमी की भी तैयारी चल रही है, लेकिन यहाँ झंडेवालान में आज महाअष्टमी मनाई जा रही है, क्योंकि सूर्य उदय से आज अष्टमी तिथि आई है। लेकिन वही नवदुर्गे की बात करें तो नवदुर्गे का आज नौवां दिन है, और श्रद्धालु के चेहरे पर आप देखते हैं ना, क्योंकि जो नौ दिन की तपस्या आराधना और उपासना इन्होंने की है वो आज कहीं ना कहीं पूर्ण हो रही है, और माँ सिद्धिदात्री जो सबको सिद्धि देने वाली, सबकी मनोकामना पूरी करने वाली है, तो उसकी एक शांति की जो अनुभूति यहाँ श्रद्धालुओं के चेहरे पर नजर आ रही है वो बिल्कुल अलग है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं माँ के दर्शन करने के लिए, कोई अपने माता पिता की गोद में, बहुत छोटे बच्चे भी आए हैं माँ के दर्शन करने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। देखिए, मैं चाहूंगी आपको एक छोटी कन्या भी दिखाना चाहूंगी, ये कन्या आप देखिए माता का स्वरूप लेकर के आई हुई है, और ये इसी तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा रही है इनका पूजन करने की, क्योंकि कहते हैं नौ दिन आप जब माँ की उपासना करते हैं तो वो माँ नवे दिन या अष्टमी को जब आप कन्या पूजन करते हैं, तो उसी कन्या के रूप में आपको आशीर्वाद देती है, आपकी मनोकामनाएं पूरी करती है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश तमाम हमारे साथ बातचीत करने के लिए, वहाँ की तस्वीर दिखाने के लिए, साथ ही माता रानी के दर्शन कराने के लिए। लेकिन जब आप ऑफिस आए तो हम सभी के लिए प्रसाद वहां से जरूर लाएगा, क्योंकि हम लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे अपनी ड्यूटी की वजह से, लेकिन आप जब आए तो प्रसाद जरूर लाएंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ चलिए बढ़ते आगे, जहां आपको बता दें कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का आज जन्मदिन है। 5 दशक से ज्यादा के कामयाब फिल्मी सफर के बाद वो आज भी दर्शकों के दिलों पर उसी तरह राज कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देने वाले इस शानदार अभिनेता की यात्रा पर आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट, और इसी के साथ मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जब एक कलाकार का आर्ट सराहना की हर सीमा से ऊपर चला जाए, जब एक एक्टर का स्टाइल अगली पीढ़ी के अभिनेताओं के लिए मिसाल बन जाए, जब कोई फिल्मी सितारा अपने समय अपनी सदी की पहचान बन जाए, तो बनते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंदी के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन के घर हुआ। उनके फिल्मी सफर का आगाज 1969 की फिल्म 7 हिंदुस्तानी से हुआ। 1971 तक वो 3 फिल्में कर चुके थे, और इसके बाद उन्होंने गुड्डी फिल्म में काम किया। फिल्म में उनकी को एक्टर जया भादुड़ी थी, जो बाद में उनके जीवन की हमसफर बनी।
जया भादुड़ी के साथ उन्होंने बावर्ची और बॉम्बे टू गोवा में भी काम किया। 1973 में इन दोनों की वो फिल्म आई जिसने अमिताभ बच्चन की किस्मत बदल के रख दी। ये फिल्म थी प्रकाश मेहरा की जंजीर। इस फिल्म ने अमिताभ को एक नई इमेज दी एंग्री यंग मैन की। 1975 में धर्मेंद्र के साथ आई शोले ने फिल्म जगत में नया इतिहास रच दिया। इसे सदी की बेहतरीन फिल्मों में गिना गया। अमिताभ बच्चन के शानदार अभिनय का जलवा जारी रहा और मिस्टर नटवर लाल, खून पसीना, सुहाग, अमर अकबर एंथनी जैसी यादगार फिल्में आई और वो छा गए। फिल्म जगत के बदलते ट्रेंड्स को अपनाने में अमिताभ को कभी परेशानी नहीं हुई। इसका अंदाजा मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, पिंक और बागबान जैसी लोकप्रिय फिल्मों में उनके काम को देखकर होता है। अमिताभ जी को कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के भी उन्हें मिल चुका है। अमिताभ को 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। छोटे पर्दे पर भी अमिताभ जी ने लोकप्रियता के झंडे गाड़े। कौन बनेगा करोड़पति को उन्होंने जिस अंदाज से होस्ट किया उसका जवाब मिलना मुश्किल है। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित, जन जागरूकता के ढेरों अभियानों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हम सब के चहीते महानायक को उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। साइमा खान, DD News।